हाँ तो बताओ भाई, बताओ आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? हर बार की तरह मैं खेल लिया, इस बार भी कुछ सवाल लाया हूँ। ऐसा क्या? पर तो ये पता होगा कि अगर सवाल के सही जवाब नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा? हमेशा की तरह मेरी खोपड़ी खोल दोगे? नहीं, इस बार सजा अलग है। वो क्यों? क्योंकि कहानी में ट्विस्ट जरूरी है मेरे दोस्त। ऐसा क्या? तो ट्विस्ट क्या है वैसे? ट्विस्ट ये है कि अगर तुम जवाब सही नहीं दे पाया, पता हो तुम्हें नहीं बताया, तो मैं तुम्हें एड्स दे दूंगा। ये तो उससे भी बदतर है। कोई तो मजा है, मुझे धीरे धीरे मरते देखना चाहते हो? हाँ, ऐसा तो चलो ठीक है, पूछो। अच्छा तो ये बताओ, इंटरनेशनल लेवल पे एड्स को देखरेख के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? बस और इसी बात है, अभी बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे दोस्त वेताल ने आपसे एक सवाल पूछा या मुझसे एक सवाल पूछा, जिसका जवाब आप में से शायद बहुत से लोग न जानते हो, आपको मैं इसको और आपको भी बताना चाहूंगा। इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम इसके देखरेख करता है। सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर 10 से भी ज्यादा एजेंसीज है, जैसे कि यूनिसेफ और WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबली फंड कलेक्ट करके छोटे देशों या उन देशों को जिनको जरूरत होती है फंड प्रोवाइड करते हैं। इनके सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया पाए जाते हैं। कैसा लगा? अरे चल चल, सरल सवाल पूछ लिया, तितरा रहा है। अच्छा ये बता, नेशनल लेवल पे कौन कौन रहता है? ऐसा क्या, दुनिया की जानकारी रखता हूँ, देश की नहीं रखूंगा। सुन दोस्तों, जैसा कि इसने पूछा फिर से कि देश में कौन रहता है, तो अपने देश में मैंने शायद थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त काउंसलर जी ने जिक्र किया था नैको नाम की ऑर्गेनाइजेशन का। नैको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया में इस चीज के लिए काम करती है। मेरे काउंसलर सर ने यह भी जिक्र किया था कि हर स्टेट में ऐसे CS सेंटर्स होते हैं और ARD सेंटर्स होते हैं, जो कि इन चीजों के दवाई एवं फ्री इलाज बताते हैं। आप जब चाहें तब जाके इसकी टेस्टिंग करा सकते हैं। आपको जैसा कि काउंसलर सर ने बताया था, वो प्रोविजन और सब कुछ बताएंगे। कैसा लगा? अच्छा चल ठीक है ना यार, सरल पूछ रहा हूँ, तेरा क्या रहा है? ऐसा क्या, मुश्किल पूछ ले? अच्छा ये बता, और किसी को एड्स हो गया तो वो क्या करेगा? ऐसा क्या हो जाता तो मैं भी करता, ये बात तो मुझे पता होनी चाहिए। वही तो। हाँ तो जैसा कि मेरे दोस्त ने पूछा, अगर मुझे मुझ सवाल का जवाब ना पता होता शायद मुझे भी होता, तो ये मैं भी फॉलो करता। आप अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप भी उसे जरूर बताएं, या फिर इसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फैलाएं। कभी भी नाटक में देखा है, जैसे आपने इन्फेक्टेड ब्लड या फिर जल्दी जल्दी में किसी भी प्राइवेट ब्लड बैंक से अनटेस्टेड ब्लड नहीं लेना है, और ऑलरेडी यूज सिरिंजेस को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और भी कई तरीके हैं जिनके बारे में आगे बताया जाएगा। अच्छा ठीक है ना। अच्छा ये बता, किसी को जैसे हो गया तो वो इससे बचने के लिए क्या कर सकता है? हो गया, अब तो तू गया बेटे, तेरे बस का नहीं है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो इसका कहना है कि किसी को बचना है इससे तो क्या किया जा सकता है? अब क्या हो गया ये तो मैंने पिछले बार बता दिया कि आपको अगर हो जाता है तो आपको क्या करना है। हमारे काउंसलर साहब ने भी आपको काफी जानकारी दी थी उसके बारे में। तो ऐसे इससे बचना कैसे? तो ये नाटक के द्वारा हम आपको यही दिखाना चाह रहे थे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। आपको कभी भी अनटेस्टेड ब्लड नहीं लेना, ऑलरेडी यूज सिरिंज नहीं लेनी है, अनसेफ इंटरकोर्स नहीं करने हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ये हो सकता है, जैसे कि बॉडी फ्लूइड ट्रांसफर, तो उनसे भी आपको बचना है। जितना हो सके उतना ज्यादा जागरूक बने, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। चलो ठीक है, छोड़ दिया मैंने तो ये इस बार। ऐसा क्या? हाँ चल चल, छोड़ रहा हूँ, तितरा रहा, अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू। व्हाट द एजुकेटेड परफॉर्मेंस।